مبشرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئیں سورہ یونس کی چند آیات ہیں خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی ان کی شان کو بیان فرمایا ان کی پہچان بتلائی نشانیاں بتلائیں اللہ والے کون ہوتے ہیں خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے 15 سال سے وہیں ڈیرہ لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی ترجمے لکھے بے شمار کتابیں ہیں فضائل کی کتابیں لکھی یہ فضائل ذکر فضائل نماز فضائل صدقات فضائل حج فضائل قرآن کریم فضائل نماز یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہیں 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی دنیا کی 14 زبانوں میں
और 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस वक्त में इन किताबों को कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ ना रहा। पिछले जुमे को मुझे मदीना मुनव्वरा से खत मिला, अल्लाह पाक सबको जारत नसीब फरमाए मदीने पाक की, जिसमें शेखुल हदीस का सलाम लिखा हुआ आया था। लिखा था बीमार है। एक अल्लाह वाले ने पिछले दिनों ख्वाब देखा। अब ख्वाब मैं और आप देखेंगे तो बाजार देखेंगे, तालाब देखेंगे, जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे, औरतें दिखाई देंगी, बच्चे दिखाई देंगे, कारोबारी मामलात दिखाई देंगे। उस अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा तो ख्वाब में ज्यारत हुई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात आसान नहीं है। ये दौलत और सोने चांदी और कोठी बंगले और सदारत गवर्नरी से नहीं मिलती ये चीज। ये तो बस यूं ही दुनिया के सौदे हैं। इसी को कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सिर्फ ये तो चंद दिनों का मेला है जिस पे हम मगल हो गए, और हमारे सामने देखते देखते कभी इस दुनिया ने किसी के साथ वफा की ही नहीं। तो जिस अल्लाह वाले को ज्यारत हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया कि मोहम्मद ज़करिया को मेरा सलाम कहो। कितना खुश नसीब होगा वो आदमी जिसको काली कमली वाले सलाम भेजते हो। और यूं फरमाया कि उस मुझे दो चीजों से पसंद आया। एक और बात अर्ज कर दूं, कई आदमी ये सोचेंगे कि दूसरे आदमी को ज्यारत हुई। मौलाना मोहम्मद ज़करिया दामत बरकातुम जब हयात थे उनको क्यों ना हुई। ये अल्लाह वाले ऐसे ऐसे ख्वाब रोजाना देखते हैं मगर बताते नहीं। खुदा जाने कितनी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई इस शेखुल हदीस को, मगर बताया नहीं करते थे। और अगर बताते तो मेरे तेरे जैसे कहते जी झूठ बोल रहा है। दूसरे आदमी को क्या जरूरत पड़ी किसी के लिए झूठ बोलने की। तो यूं फरमाया आपने कि एक तो जुमे के बाद असर की नमाज तक मोहम्मद ज़करिया मेरी जात पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है। आप तो फर्ज भी औखे पूरे करते हैं, और कुर्बो जवार के लोग तो मालूमात रखते हैं कि खुतबे की अदान हुई कि नहीं। तुम्हें क्या मालूम इस साथ में क्या बटता है, क्या तकसीम होता है, मालिक के दरबार से क्या आता होती है। खुदा की कसम अगर तुम्हें पता चल जाए कि जुमे के वक्त में अल्लाह की रहमतों का कितना नुजूल होता है, तुम बीवियों को तलाक देकर मस्जिद में बैठ जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो मोहम्मद ज़करिया इसलिए मुझे पसंद है कि वो जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज तक मुझ पर दुरूद पढ़ता है, और दूसरी बात यह कि फजाइले दुरूद शरीफ लिखकर किताब लिखी है सल्लल्लाहु अलैहि ने दुरूद शरीफ की फजीलत में। फजाइले दुरूद शरीफ लिखकर उम्मत को मेरी अजमत बतलाई मोहम्मद ज़करिया ने। फरमान है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक अल्लाह वाले को ख्वाब में बताया। ये बातें सबको नहीं मिला करती। जिनको तुम गुस्ताख कहते हो, जिनको बेअदब कहते हो, उनका एक बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा दुर्वेश, बहुत बड़ा आलिम शेखुल अरबी वल अदब हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्ला अलैह जब गुंबद खिदरा पे हाजिर हुए और मदीने पाक में पहुंचे, और जाकर इश्तियाक के साथ और रोते हुए सोजो गुदाज के साथ जब अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा,
مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی, اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو تجھے. تو ان حضرات کا کیا کہنا. میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا. کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی ذکر نہیں تھا, حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے, لو بھی میں چلا ہوں, میں جاؤں گا, تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں. ہم نے پوچھا حضرت کہاں, فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا. ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا, آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں, 18 برس تک تو حدیث پڑھائی, خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں, آپ ہمیں سبق پڑھائیں. فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے, رات خواب میں زیارت ہوئی, خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری, اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی, ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے. ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے. میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں, اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے. یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے, میرے دوست بن گئے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو کوئی غم نہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں, ان کو کوئی اضطراب نہیں, ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے, وہ میرے بن گئے. کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو, اس کا یقین اتنا مضبوط ہو, اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے, اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا. حکومتیں ٹکرائیں, اسلحہ ٹکرا جائے, دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے, اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے. مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی, اسی کو لکھوایا, اسی کی شرح کی, ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے, اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے, الہی مدینے کا دفن مل جائے. تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں, جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے, جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے, جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے, جہاں عثمان ذن نورین موجود ہے, جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں, جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں, جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو, رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا, جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے. خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, جو جنت میں پہنچ گیا خود یہی سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا. کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ, شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام, علامہ شیخ الحدیث, شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے.
मुकद्दर अपना अपना, बहरहाल उसकी तमन्ना भी तो कोई चीज है। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात की तमन्ना करते हैं कि रियादुल जन्ना की इबादत मिल जाए और जन्नतुल बकी का दफन मिल जाए। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसका जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा हो। मदीने की गलियों से जनाजा गुजरे, गुंबदे खिजरा के सामने रखकर जनाजा पढ़ाया जाए। ये चीजें यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती, ये तो बड़ी जद्दोजहद के बाद मिलती है। साहब इकराम ने तमन्नाएं की, आरजुएं की, हसरतें की, सारे अल्लाह वाले इसी तमन्ना को लिए दुनिया में फिरते रहे, यही आरजुएं की, और जहां तक मुमकिन हो सका इस पर अमल करके दिखलाया। बेशुमार अल्लाह वाले, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा हज किया अपनी उम्र में, इसके बाद मदीने से निकलकर हज को भी नहीं आए। कैसा ना हो रास्ते में कहीं इंतकाल हो जाए और जन्नतुल बकी के दफन से मैं रह जाऊं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी उम्र मदीने पाक में गुजारी, 3 मील के एरिए में पेशाब कभी नहीं किया। मदीने पाक शहर में जूते पहनकर कभी नहीं चले। सारी उम्र इमाम मालिक ने एहतराम में गुजार दी। इतना अदब था इन हजरात में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए बैठे, चमड़े के मोजे पहनकर आए होंगे, मोजे के अंदर बिच्छू बढ़ गया, बिच्छू दाखिल हो गया बटुआ, पहाड़ी इलाके का बिच्छू। इमाम मालिक को डक मारता है पैर में, सारे शागिर्द देखने वाले समझ रहे हैं कि हजरत को कोई तकलीफ हो रही है, सारा रंग पीला पड़ जाता है। कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा और कुछ देर के बाद उसने फिर डक मारा। घंटा दो घंटा तीसरी जितनी देर तक हदीस पाक पढ़ानी थी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद मौजा उतारा, जब देखा तो बिच्छू निकला अंदर से। तो सारे शागिर्द कहने लगे, हजरत जी हम भी सोच रहे थे कि क्या तकलीफ हो रही है, रंग पीला पड़ पड़ के जाता है, तमाम शक्ल बदल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया। फरमाया, तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया। बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नीयत बांधे खड़े हैं और खुदा जाने कहां पहुंच खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहां पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वालों ने की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है, गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे, हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, दाची पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है, जूता भी उतार लिया। रो पड़े और फरमाने लगे, रोते हो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूती पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल हूं, मुझे हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है। मौलाना कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जितने दिनों मदीने पाक में रहे, एक दिन भी जूता नहीं पहना।
कभी इस तरफ बैठते हैं गुंबद खिदरा के, कभी उस तरफ बैठते हैं, कभी रियादुल जन्ना में बैठते हैं और कहते हैं जीऊ तो सगहान हरम के साथ फिरू, जीऊ तो सगान है हरम के साथ फिरू, मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार। दुआ करता है नानौतवी, ऐ मेरे परवरदिगार अगर मेरी जिंदगी हो और मेरा मेरे सांस बाकी हो, मेरी जितनी जिंदगी बाकी हो, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस मदीने के कुत्तों में शुमार कर ले, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिनको लोग बेअदब कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, इन्हें अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं, इनमें इश्क नहीं, जलाल नहीं, इनका ये हाल है। मौलाना नौनौतवी कहते हैं कहां बुलंदी ये तूर और कहां तेरी मेराज, कहां बुलंदी ये तूर और कहां तेरी मेराज, वे है कहीं जमीन और आसमां भी हमवार। दुआ की है इलाहुल आलमीन मुझे मदीने की मौत अता फरमा, मुझे मदीने का दफन नसीब फरमा और मदीने के कुत्तों में मेरा शुमार कर ले, आका की गुलामी के लिए मैं इस पर तैयार हूं। किस इश्क के साथ इन हजरात ने जिंदगी बसर की, वहां बैठकर किताबें लिखी, पढ़ाया, इल्मे दीन की इशात की, तबलीग की, और खुदावंद आलम ने इतनी कबूलियत आम्मा फरमाई, सारा मक्का शहर, जद्दा, रियाज, मदीने पाक की गली गली, मस्जिद मस्जिद, एक एक मोहल्ला, तमाम मसाजिद में, तमाम के तमाम मकामात पर, बैतुल्ला शरीफ में जितनी जगह कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तफसीर पढ़ी पढ़ाई जा रही है, इल्मे हदीस की तालीम दी जा रही है, ये तमाम के तमाम खुदा की कसम मेरे अकाबिर हैं और उलमाए देवबंद हैं ये सारे के सारे। अब तुम्हें कौन समझाए? अगर मैं आज ये तुम्हें कह दूं कि जी रात मुझे ख्वाब नजर आया था, ये जो सामने बेरी खड़ी है कारी हनीफ की मस्जिद में, 70 बीमारियों की दवा है इसके एक एक पत्ते में, इंशाल्लाह अगले जुमे से पहले 10-20 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, अगर पत्ता एक नहीं रहेगा बेरी पे। मदीने में बरकत नहीं मानते, काली कमली वाले के नाम में बरकत नहीं मानते, कुरान में बरकत नहीं मानते। अगर मैं झूठ मार दूं, दरख्त के पत्तों पे यकीन है, खजूर के पत्तों पे यकीन है, कब्र की मिट्टी पे यकीन है, और चश्मे के कुएं और के पानी पे तुझे यकीन है, और खुदा के फरमान पर और मुस्तफा करीम के फरमान पर यकीन कोई नहीं। तुम्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह वाला होता कौन है और किसको वली अल्लाह कहा जाता है। औलिया कराम तो वो है जो फर्ज तो दरकिनार रहा, सुन्नत और वाजिबात तो दरकिनार रहे, कभी मुस्तहब को भी हाथ से नहीं जाने दिया। मौलाना कासिम नौतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया और सब्ज रंग की जूती बनवाकर लाया हजरत के लिए, मुरीद था हजरत का, आगरे से आया। हजरत ने फरमाया कहा हजरत मैं तो बड़ी खुशी से बना के लाया हूं, बड़े शौक से बनाकर लाया हूं। फरमाया मैं नहीं लेता। कहा हजरत क्यों? फरमाने लगे तुझे मालूम होना चाहिए मैं यही रंग गुंबद खिदरा का देख के आया, यही रंग मैंने देखा हुजूर की रोजे की जालियों का है, हुजूर के रोजे के पर्दे का है, और तुझे क्या मालूम मैं उस रंग को अपने पैरों के नीचे देखना गवारा कैसे करूं, मैं कैसे देख सकता हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अली की खिदमत में एक आदमी काले रंग की जूती बना करके लाया, हजरत का मुरीद था, इनकार कर दिया मैं कबूल नहीं करता। पूछा क्यों? फरमाने लगे बैतुल्लाह के गिलाफ के रंग का भी काला और मेरी जूती की रंग का भी काला, मुझे तो शर्म आती है। सोटी और बैत के नीचे के सिरे का हिस्सा इन अल्लाह वालों ने सारी उम्र में कभी किबले की तरफ नहीं किया।
یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے, خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا. یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, اور بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے. انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا. جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں, وہ ٹھگ ہے, وہ غدار ہے. داڑی مونچھ صفا چٹ پلیٹ فارم صاف پڑا ہے, حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں, روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے. شربت کی بوتلیں سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں. اب یہ بھی کوئی پہچان ہے؟ کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں, صبح کو جڑ جاتے ہیں, یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل ہوتا ہے. کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو. کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے, اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لٹ کر, یہ کبھی نہیں کہنے کے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مہینے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مہینے میں 60 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رمضان المبارک میں صرف 2 چپاتیاں کھائی. پورے مہینے میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا, حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا, کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو, کچھ تو کھا پی لیا کرو. فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں, رات دن خدا کا قرآن پڑھتا ہوں, میرے منہ میں طرح طرح کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. دنیا ہی میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے قرآن کی برکت سے, اللہ کے کلام کی برکت سے. تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں. ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو, اجی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے, نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی. پرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں, ڈاکٹر سے لیک سے لیک ہونی چاہیے. اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے کام آ جائے گا. میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا, تو تجھے قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی. افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی, کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا, کام آ جائے گا افسر. میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا, جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیری کام آئے گی, پلسرات پہ کام آئے گی, قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, اور کوثر پہ کام آئے گی. اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھ, تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 درجے بلند ہو جائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا انعام 40 گنا ملے گا. ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا, تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. خدا جس کام کو خود کرتا ہو, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا بیٹھ گیا. وکانو یتقون, پرہیزگار ہیں وہ لوگ. کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی
कि हराम के लुकमे से बचा जाए। अल्लाह वालों की कोशिश होती है कि हराम के लुकमे से बचा जाए, हराम के खाने से बचा जाए। अल्लाह वालों की जब हर कोई दावत करता है वो किसी न किसी बहाने से चलाया करते हैं, अजी बीमार हूं मैं तो दवाई खा रहा हूं। मकसद उनका टलाना होता है, उनको अल्लाह पाक बतला देता है कि इसकी कमाई हलाल की नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था कि लोग अपने माल को हराम और हलाल की परख के लिए मौलाना को खिलाया करते थे। अगर हजम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान यकीन करता था कि इसकी कमाई हलाल की है, और अगर कह हो गई, उल्टी हो गई, पता चल जाता था कि माल हराम का है। यानी एक अल्लाह वाले का मुंह, एक अल्लाह वाले का गला, एक अल्लाह वाले का हलक कसौटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। इस कदर तकवा इन हजरात में अल्लाह पाक ने रखा था कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जा रहे थे, ऊंट किराए पे किया। एक आदमी कहने लगा कि मेरा एक रुक्का ले जाना, पहुंचा देना फलां दोस्त को। तो फरमाने लगे, भाईजान बैठ जाओ, मैंने अपना सामान भी दिखा दिया ऊंट वाले को और मेरी जान भी उसने देख ली। अब वो आएगा तो उससे पूछूंगा कि अगर वो मेरे तयशुदा मामले से ज्यादा एक कागज के रुक्के का अपनी सवारी पे वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। बगैर इजाजत के रखना जायज नहीं होगा कि मैं जेब में डाल लूं, वजन तो उसकी सवारी पे पड़ेगा ना। इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी इन्हीं लोगों के पास थी। फरमाया, अल्लदीना मनु व कानू यत्तकून, ईमान इनके पास मजबूत और परहेजगारी कामिल। रात की सुन्नतें नहीं छूटती, दिन की सुन्नतें नहीं जाती। फर्जों का एहतमाम तो बड़ाजीम शान है, सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है। खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं, उठते बैठते हर वक्त दिल को जान रहता है इस तरीके से चलूं जिस तरीके से मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया हो। एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाना दिया तरबूज, उलामा का मजमा बैठा था। अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है, यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब कहने लगे, जी हमें तो पता नहीं इस बारे में। फरमाने लगे अल्लाह वाले के, मुझे भी इलम नहीं, इसलिए तुमसे पूछा है, बेहतर यह है कि इसको वापस कर दो। जब तुम में से किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें हुजूर का तरीकाकार क्या है, काली कमली वाले का तरीका क्या है, तो मुझे डर है अगर हमने चाकू से काटा और हुजूर ने यूं ही तोड़ के नोश फरमाया हो तो आका के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और अगर हमने तोड़ के खाया और साबित यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के तनावुल फरमाया था तो हुजूर के तरीके के खिलाफ हो जाएगा, मैं तो डरता हूं खिलाफ करते हुए वापस ले जाओ, हम इसे खाते ही। आजकल तो तमाम चीजें बदल गई। अभी इसी हफ्ते में मुझे कोहाट में एक पुराने बुजुर्ग भी थे, हकीम भी थे, वो बता रहे थे कि अल्लाह पाक ने ये जो तीन उंगलियां हैं, ये तीन उंगलियां पुराने बुजुर्गों में से है, हकीम भी है, कहने लगे इन तीन उंगलियों में अल्लाह पाक ने जो कुव्वत हाजमा रखी है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं। इनको चाटना सुन्नत है खाना खाने के बाद। अब चूंकि अंग्रेज का दौर आ गया, अब उंगलियां चाटने को ऐब समझते हैं, बल्कि दवाइयों पे और खानों पे लिखा हुआ होता है कि ये बगैर हाथ लगाए बंद किया गया, यानी पैरों से बंद किए हाथ नहीं लगे। चमचियों से खाते हैं लोग, देखा अंग्रेज लानती ने तेरा कितना नुकसान किया, एक नबी के तरीके के खिलाफ कराया, दूसरे तुझे कुव्वत हाजमा से महरूम कर दिया। बल्कि वो हकीम साहब ये कह रहे थे
कि मेरी शर्त है कि खाना उंगलियों से खाओ, बर्तन को चाटो और फिर देर तक इन तीनों उंगलियों को चाटो, यूं का गैस का मर्ज बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ये कौन यकीन करे, अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक दवाई बनाता हूं 5 रुपए में पैकेट मिलेगा, फिर तो लोग यकीन कर भी ले, हुजूर की सुन्नत पे यकीन कैसे आए। सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ना फरमाती है, अगर कई बर्तनों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे खाना जाया करता था और जब बर्तन वापस आते मैं बगैर पूछे जान जाती थी, समझ जाती थी, मुझे पता चल जाया करता था कि इस प्याले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। बगैर पूछे मैं समझ जाती थी। तो पूछा किसी ने कि कैसे पता चलता था, फरमाती है वो बर्तन इतना साफ कर दिया जाता था चाट कर कि उसको धोने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बर्तन को साफ किया जाए, अंग्रेज की सुन्नत ये है कि सब कुछ खाकर थोड़ा सा कुछ ना कुछ छोड़ो। और अंग्रेजी अंग्रेजी खान की नहीं, अब तो बड़े बड़ों को देखा जो पीर बुजुर्ग और मौलवी बने फिरते हैं, खाते खाते 5 शेर बर्फी पे खत्म दिलवाओ, सारी रगड़ देंगे, आखिर में आके एक डकरा किनारे पे छोड़ देंगे, छोड़ देना है। कौरमे पे खत्म फातिया दिलवाओ, खाते 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 और पिछली तरफ जरा सा काला काला शोरबा और हड्डियां छोड़ देंगे कि ये तमाम में तकसीम कर दो, हजरत का तबर्रक है, ये सबको दे दो। ये क्या है? ये मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबी कहता है मैंने अपनी आंख से देखा जो भोरे दस्तरखान पे रोटी के गिर गए, आप रहमतुल्लिल आलमीन उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। पानी पीने में सुन्नत हमसे छूट गई, 3 सांस में पानी पियो, बैठकर पानी पियो। हुजूर फरमाते हैं जिसने 1 सांस में पानी पिया या खड़े खड़े पानी पिया उसको चाहिए कि वह कह कर दे उस पानी। हमारे यहां तो अब और तरक्की हो गई कि शादियों में टी पार्टियों में पीना क्या, अब खाना भी खड़े होके होने लगा है। अच्छे अच्छे हाजियों के यहां, अच्छे अच्छे नमाजियों के यहां कभी कोई भूल बिसर कर हमारी भी दावत कर देता है शादियों में। असल तो शादियों में नहीं, मौलवियों की दावत तो 40 में भी होती है हमेशा। कोई मरे तो साडा नंबर लगे नहीं, सानू कौन पूछता है बाबा, शादी खाने वाले अफसर थोड़े हैं, शादी खाने वाले ताजिर थोड़े हैं, जिम्मेदार थोड़े हैं, कारों पे आने वाले थोड़े हैं, शादियों की दावत मौलवियों को। तो पूछता हूं क्या हाजी साहब ये क्या किया आपने, खड़े होके खा, अभी वो जगह की तंगी थी बहाना। और कई मरतबा डर लगा है कि जो जो तरक्की हो आगे मामला बढ़ता ही जा रहा है ना, शायद ऐसा वक्त में देखना पड़े कि लेट के लोग खाया करेंगे, लंबे पड़ जाया करेंगे कि लोग मुंह में डालो। तरक्की जो करनी है हम लोगों ने और क्या करना है। नबी की सुन्नत को मिटाने वालों तुम इस कायनात में कभी कामयाब नहीं हो सकते। या गुलामी का नाम ना ले या फिर गुलामी करके दिखा। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की हर तरीके कार की इत्तिबा कर, इक्तदा कर, ताबेदारी कर, हर मोड़ पे तुझे आजर मिलता चला जाएगा, कामयाबी से हम किनार होता चला जाएगा। तो फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया जो लोग अल्लाह वाले हैं दुनिया में उनका ईमान मजबूत होता है, परहेजगारी से जिंदगी बसर करते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी आखिरत में भी उनको अल्लाह पाक की तरफ से बिशारतें मिलती हैं, खुशखबरियां मिलती रहती हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम।
अल्लाह पाक अपने कानून को बदला नहीं करता, अपने तरीके कार में तब्दीली नहीं लाया करता। हर मोड़ पर औलिया किराम ने थूकना भी सुन्नत के खिलाफ गवारा न किया, और यही वजह है कि अल्लाह ने भी इनकी इतनी दुनिया में इज्जत की। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां चन्नू वाले इंतकाल फरमा गए, दफन कर दिया। 11 साढ़े 11 महीने के बाद बारिश कसरत से हुई, सैलाब का पानी कब्रिस्तान में पहुंचा, मौलाना की कब्र गिर गई। निकाल कर हजारों लाखों आदमियों ने 11 महीने के बाद दीदार किया। पेट तो क्या फटता, लाश तो क्या सड़ती, खाल तो क्या बिगड़ती, खुदा की कसम अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी ना बदली, अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी ना बदली। मैं क्या मालूम कि खुदाबंद आलम के जो वली लोग होते हैं खुदा उनको कितनी अजमतें देता है। मालिक बिन सिनाई रजी अल्लाह तआला पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, हुजूर का दीदार करने वाला, हुजूर का जानिसार, हुजूर का दीवाना, हुजूर का परवाना, हुजूर का गुलाम शहीद हुआ है और मदीने में दफन हो गया है और कब्रिस्तान पुराना हो गया है, मदीने पाक की आबादी बन गई है। 3रा साल है हरम नबवी बढ़ाने के लिए मदीने के उस इलाके की खुदाई की गई तो कब्र निकली मालिक बिन सिनाई रजी अल्लाह तआला अन्हु, शहीद सहाबी की कब्र निकली। मदीने में रहने वाले लाखों आदमियों ने दीदार किया। 1400 साल के बाद भी पैगंबर के गुलाम और जानिसार सहाबी के बदन से लिखा था अखबार ने कि ताजा लहू बह रहा था। उस जगह से उठाकर जन्नतुल बकी में दफन किया गया। खुदा की कसम वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने 1400 साल के बाद सहाबी के जनाबे को कंधा दिया और दीदार किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि विलायत, दुर्वेशी, कलंदरी, बुजुर्गी ये नबी के कदमों की के सदके में मिलती है, नबी की गुलामी से मिलती है। इसी को इकबाल भी कहता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, सबब तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन कभी जरी से नहीं, जहां में तेरा जौहर जो आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। अल्लाह अल्लाह करने से मकाम बनते हैं, खुदावंद आलम के फरमा बरदारी से मकाम बनते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से मकाम बना करते हैं। और इकबाल की एक और बात याद आई, अपने मतलब की बात हो फिर तो सुकुल लो कालेजों में इकबाल इकबाल करते हो, कॉलेज का नाम तो रखते हो इकबाल कॉलेज, पार्कों के प्लाटों के नाम रखते हो इकबाल पार्क, इकबाल मार्केट, कभी उसकी बात भी सुनी? इकबाल का तलिबास खिजर में फिरते हैं हजारों राहदन, लिबास खिजर में ओ लंबे कुर्ते पैरों लगके, हजार दानों का तस्बा इतना लंबा, देख लो अगर ना मिले तो मुझे बताना, मैं ला के दिखाऊंगा कहीं से। लिबास खिजर में फिरते हैं हजारों राहजन, हर आने वाला कहेगा मैं सैयद वाला, मैं सैयद हूं। और अगर कह दोगे कि मसला पूछना जी, हमारे पास 2000-1000 रुपया ज़कात का पड़ा है और सैयद को वो देना जायज नहीं, अब आपको हम क्या दें, फौरन कह देगा मैं कितने सैयद हूं, पढ़ाओ मैनू, तजर्बा कर लेना। जब कोई सैयद का बाल बन के आए ना, लंबा कुर्ता, आधार डाला का तस्बा डालकर, हाथ में चिमटा लेकर और यहां कड़ा डालकर जहन्नुम की हथकड़ी, दुनिया ही में हथकड़ी डालकर आए जहन्नुम की, उससे फौरन पूछना कौन होता हो, चाहे वो पुराना मिरासी हो, कहेगा मैं सैयद का बाल। अल्लाह जाने इतने सैयद आ कहां से गए, करबला में एक बचा था इमाम जैनुल आबिदीन, सॉरी दुनिया सैयदों से भर गई,
इनके यहाँ एक एक वक्त में चार चार बच्चे पैदा होते हैं, ये छह छह होते हैं, खुदा जाने क्या तरीका कार है। बात चल रही है, मैं तुझे बतला दूं, सैयद की तीन निशानी, सैयद की तीन पहचान। मौलाना मोहम्मद ज़करिया शेखुल हदीस सैयद था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी सैयद था, अताउल्लाह शाह बुखारी सैयद था। सैयद की पहली पहचान यह है कि सैयद सोना होगा, सैयद सोना होगा, ना मस्जिद में बैठे हो बावजू नबी का खून हो और कोजा हो, नबी की आल से ताल्लुक रखता हो और नबी का खून उसकी रगों में मौजूद हो और वो बदशकल हो। सैयद सोना होगा, सैयद सखी होगा, सैयद सखी होगा। मैं एक दिन मुद्दत हो गया मुल्तान के एक मजार पे गया था तिजारत के लिए, मुझे वो पहचानता नहीं था, मेरी कमर पे थापड़ा दिया ये, मुझे कहने लगा लाओ पांच रुपए। मैंने कमर पर थापड़ा उससे जोर कर दिया, मैंने कहा ला दस रुपए। कहने लगा वो कैसे, मैंने कहा तुम कैसे, आप कैसे मांग रहे कि मैंने थापड़ा दिया। मैंने कहा मैंने जोर कर दिया और कहता हूं तो और दूं, और थापड़ा दे दूंगा। कहने लगा ही आप भी मालूम बनता है तेरा, तो मैंने कहा थापड़ा भी बिकता है, क्या रंग है क्या ढंग है, असल में इनका भी कसूर नहीं है। तुम्हें अगर कोई आकर यूं कह दे कोई जरूरतमंद मुस्तहिक आदमी पड़ोस का कि बच्चों के पास तीन दिन से आटा नहीं है, तुम कहोगे हैं देखा हमने कहा नहीं था कि एक दिन भूखा मरेगा। जब तक कोई फरेब ठगी ना मारे तुम भी आटे की चुटकी देने को तैयार नहीं हो। तो सैयद सोना होगा, सैयद सखी होगा, खुद भूखा रहेगा दूसरों को खिलाएगा, अपने बच्चों का पेट काट कर और हुजूर का खून हो और खुद खा जाए और दूसरे भूखे बैठे रहे, नामुमकिन है। सैयद सोना होगा, सैयद सखी होगा, सैयद सरदार होगा, सैयद सरदार होगा। तीन पहचान याद रखो, अल्लाह पाक के नबी के आल से, नबी के खानदान से, ये तीनों चीजें ताल्लुक रखती हैं। ये दो जान के लोग जो तुम्हारे पास आते हैं ना, लंबे कुर्ते वाले तस्बीहों वाले, इसी को इकबाल कहता है लिबास खिज्र में फिरते हैं हजारों राहजन, अगर दुनिया में जीना है तो पहचान पैदा कर, पहचान कर, कुछ शनाख्त कर, मुल्तानी जुबान चाहते ना कोई सुनजाया कर, कोई जाने कर, पता किता कर के गाल क्या है। बड़ी बड़ी बातें कही इकबाल मरहूम ने, कभी कहता है खुदावंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदावंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए, के दुर्वेशी भी अयारी और सुल्तानी भी अयारी, बादशाह भी मकर और फरेब से काम लेती है और दुर्वेश भी मक्कार हो गया, फिर हम ठिकाना कहां मिलेगा। बड़ी बड़ी अजीब बातें कही इन्होंने, कहता सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, समझा करो बात को, यूं ही नहीं। एक औरत ने जो ठल मार दिया ना, फलानी बेरी के दरख्त दे पत्ते में खाते हैं, 70 बीमारी है मेरे अंदर सारी बच गई है। बस दुरूद शरीफ में बरकत नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात अकदस पर दुरूद पाक पढ़ने में बरकत नहीं मानते, अल्लाह के कुरान में बरकत नहीं मानते। ये शेखुल हदीस को सलाम आया और बे इंतहा बुजुर्गों को सलाम आए और अल्लाह वालों को हुजूर की बार बार ज्यारत हो। इसलिए मुझे और आपको भी खुदा जाने के कितने दिनों के सांस बाकी हैं, आओ हम भी अपनी जिंदगी का महवर बनाएं, कुरान करीम की तिलावत किया करो, दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, इस्तगफार किया करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अल्लाह वालों की गुलामी नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।